नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम का अनऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिले कि सर इलाहाबाद में हम लोग कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं या हम लोग कितने मार्क्स लाएंगे कि हमें इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि कासिम विश्वविद्यालय के बाद बच्चों की जो सेकेंड सबसे ज्यादा प्रियोरिटी रहती है वो जनरली देखा गया है कि एयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खास बात इसलिए भी हो जाती है, मतलब जो खास बातें हैं वो ये भी है कि जनरली वहां का जो माहौल है वो करियर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। मतलब आपका जो आगे जो लाइफ एक सेटल होने का जो पूरा है वो वहां पे ज्यादा फेवरेबल है। लाइक कोचिंग्स है, यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो भी कि जल्दी जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये चीजें जो है कहीं के उसको ज्यादा विशेष बनाती हैं। बाकी खाने पीने का जो कंपैरिजन है, रहने का जो कंपैरिजन है, ये सब चीजें तो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीएचयू बेस्ड है या इलाहाबाद बेस्ड है या दोनों बेस्ड है तो किन किन मायनों में है। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली वो ये है कि इलाहाबाद में बीए प्रोग्राम के लिए आपको कितना मार्क्स लाना है जिससे आप आज एक चिंता मुक्त सांस से ले सको कि हाँ फाइनली हमारा सिलेक्शन होने की उम्मीद नजर आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इलाहाबाद चाहिए या बीएचयू चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो दोनों विश्वविद्यालय को चूज करके रखे होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन किसको लेके चल रहे हो, ठीक है? तो आइए बात करते हैं आज के ऑफिशियल और अनऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आप कट ऑफ मेकिंग प्रोसेस को समझ लो। यहाँ पे बीएचयू से अलग प्रोसेस है, क्योंकि बीएचयू में बस लैंग्वेज और जीटी चाहिए था। टोटल जो क्वेश्चंस है वो 90 क्वेश्चंस के वेटेज रखे गए हैं, लेकिन इलाहाबाद में ऐसा नहीं है। इलाहाबाद में जो वेटेज है सीयूटी के थ्रू वो यहाँ पे S1 भी है, S2 भी है एंड S3 भी है, इट मींस की जनरल टेस्ट भी है। कहने का सेंस ये है कि इलाहाबाद में आप बीए करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज का पेपर भी देना पड़ेगा, आपको कम से कम दो डोमेन देने पड़ेंगे और साथ ही साथ कंपलसरी है जनरल टेस्ट यानी जीटी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा जो नंबर्स बहुत ज्यादा है बीएचयू से, ठीक है? तो जाहिर सी बात है पहला लैंग्वेज सेक्शन जो था वो 40 का था, फर्स्ट डोमेन जो है वो 40 का था, सेकेंड डोमेन भी 40 का था और लास्ट में जीटी जो था वो 50 का था। टोटल आप ऐड करते हो तो टोटल आ जाता है कितना, 170 क्वेश्चंस। ये बस क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चंस का बस आपका पेपर हुआ है यहाँ पे, ठीक है? आप लोग उसको अगर मार्क्स में कन्वर्ट करते हो तो ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स, इट मींस कि लगभग 850 नंबर का आपका बस पेपर है, ठीक है? इसमें देखो थोड़ा मोड़ा अगर बदलाव कुछ चीजें ऐसी अगर चेंजेस नजर आते हैं फ्यूचर में तो आप प्लीज फॉलो अप वीडियो जरूर देखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि ये सब अपडेट्स वीडियो है, एनालिसिस वीडियो है, इसमें बदलाव फेरबदल चीजें बदलती हैं, तो आपको हर एक वीडियो को देखना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका ऑफिशियल अनऑफिशियल जो कट ऑफ है वो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटीएससी, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज है मैं उस पर बातें कर रहा हूँ। इसमें जो पीएच है, जो बाकी कैटेगरीज है, ठीक है, वो ज्यादा लोग होते नहीं है, उसका रिजर्वेशन बहुत कम है। तो हम लोगों ने मेजर सेक्शंस को कवर किया हुआ है। जनरल के लिए लगभग 850 में आपको 670 से आसपास स्कोर करोगे तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बहुत सारे राउंड्स आते हैं, 10+ राउंड्स आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि जनरल को मैंने 670 लिख दिया है तो इससे कम होगा, तो नहीं होगा, इससे कम पे भी होगा। इनके यहाँ सीटें भी बहुत ज्यादा, हजारों की संख्या में इनके यहाँ सीटें हैं, इनके भी कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो ऐसे में आप लोग को पैनिक नहीं होना है कि हमारा कट ऑफ देख लिया और आप अचानक से एकदम मायूस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लिए सेफ जोन है कि आप अगर इतना स्कोर कर रहे हो तो होना तो तय ही है, फिर कुछ इसमें बदलाव नहीं होना है। ये 100% एक तरह से सीओटी के लिए बनाया गया है। ओबीसी को लगभग 650, ईडब्ल्यूएस को लगभग 660 का और एससी का लगभग 550 एंड एसटी का 500। ये आपका लगभग स्टार्टिंग के 2 या 3 राउंड तक का मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आपको इतने मार्क्स लाने पे एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। इससे कम जाएगा प्लीज उम्मीद रखना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कॉमन है जो बीएचयू में भी जाना चाहते हैं, ठीक है, डीयू में भी जाना चाहते हैं, जेएनयू में भी जाना चाहते हैं, एयू में भी आना चाहते हैं। तो ये चारों और इससे ज्यादा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि बच्चा जैसे ही बीएचयू का पेमेंट पहले आया तो बीएचयू में आ गया, बाद में पता चल रहा है कि इलाहाबाद का आया तो इलाहाबाद में भाग जाएगा पेमेंट छोड़ के यहाँ का।
ये सब चीजें जो है ना कहीं ना कहीं बच्चे अप डाउन होंगे, भागेंगे, आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, तो ध्यान देना कि ये कट ऑफ जो है ना, ये जो सेव स्कोर है, ये बहुत फ्लक्चुएट करेगा, अप डाउन करेगा, तो पैनिक नहीं होना है। हमेशा आप देखोगे हर एक यूट्यूब चैनल पे एक बात समझाई जाती होगी, लगभग कॉमन है कि आपको पेशेंस रखना है एंड ऑफ द काउंसलिंग का। मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट ला के देता रहूंगा, आप उसमें अपने स्कोर्स देखते रहना, बेसिकली अपनी काउंसलिंग जरूर कराना, बाकी अपडेट्स पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप इस वीडियो में कमेंट करके भी बताना कि फाइनली आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, ठीक है, जिससे ये आइडिया लग सके कि हाँ देखें बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, टॉपर का क्या स्कोर है। तो प्लीज कॉमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट।